नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आई टी आई एग्जाम सोल्यूशन में दोस्तों का पार्ट फाइव है जिसमें हमने ऑलरेडी हंड्रेड क्वेश्चन को सोल्व करा है और इस सीरीज में यह लास्ट ट्वेंटी क्वेश्चन होने वाले हैं टेक्निकल सीरीज के इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा क्वेश्चन so, सोल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है द वर्क डन बा स्टार्टर इन डी मोटर इज ए स्टार्टिंग करंट, बी रिड्यूसिंग रिड्यूसिंग बैक सी आर्मेचर स डी इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस इन दी फील्ड सर्किट डीसी मोटर में स्टार्टर का, का काम करंट को लिमिट करना होता है क्योंकि स्टार्टिंग के टाइम पे अगर हाई इंटरेस्ट करंट हुआ वो मोटर की माइंडिंग को डैमेज कर सकता है इसी पर्पज से हम स्टार्टर का यूज करते हैं देखिए ये एक स्टार्टर है इसको हमने आर्मेचर के साथ कनेक्ट करा है हम आर्मेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं आर्मेचर के साथ कनेक्ट करके इसका रजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं जैसे ही हम रजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रजिस्टेंस क्या करेगा दोस्तों करंट के फ्लो को लिमिट करेगा तो यही एक काम है स्टार्टर का स्टार्टर में नंबर ऑफ रजिस्टेंस कनेक्ट होते हैं आर्मेचर के साथ सीरीज में जिससे हम करंट के फ्लो को कंट्रोल करते हैं सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर वन है द कॉम्बिनेशन ऑफ अ थ्री फेस इंडक्शन मोटर डीसी जनरेटर इज कॉल्ड आपके ऑप्शंस हैं ए इन्वर्टर सेट बी मोटर जनरेटर सेट सी मोटर अल्टरनेटर सेट डी मोटर कंडेंसर सेट जब हम थ्री फेस इंडक्शन मोटर को एक डीसी जनरेटर के साथ कंबाइन करते हैं उसे हम बोलते हैं मोटर जनरेटर सेट इसमें हम मोटर को बेसिकली मोटर हमारी एसी ड्रिवन होती है एंड जनरेटर हमारा डीसी टाइप होता है यह हमारा एक डीसी मोटर जनरेटर का सेट है इसमें जो फर्स्ट मोटर है वो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है और ये डीसी जनरेटर मोटर है इसको हम एसी सप्लाई देते हैं एंड जब इसका शाफ्ट मूव करता है इसका शाफ्ट इसके साथ कपल्ड होता है एक साथ अटैच होते हैं तो इसी सेम स्पीड पे आपका डीसी जनरेटर रोटेट करता है तो हम बेसिकली क्या कर रहे हैं हम एसी मोटर की मैकेनिकल पावर डीसी जनरेटर को दे रहे हैं और जब ये डीसी जनरेटर रोटेट करेगा तो ये क्या करेगा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा तो डीसी जनरेटर सेट पावर कन्वर्जन के काम आता है ये पावर कन्वर्जन या तो ए से डी में करेगा अगर हमारी ए मोटर थ्री फेस हुई या डी से ए में भी कर सकता है इसके अपोजिट हम डीसी मोटर ले रहे हैं प्राइमरी जिसमें हम डीसी सप्लाई दे रहे हैं और यहाँ पे हमारी एक एसी जनरेटर लगा होगा जिससे हम एसी आउटपुट ले सकते हैं या एसी से एसी में कन्वर्ट करेगा लेकिन विद फ्रीक्वेंसी वेरिएशन अगर हमें फ्रीक्वेंसी वेरिएशन चाहिए तो भी हम इसका यूज कर सकते हैं इस मोटर जनरेटर सेट की कुछ एप्लीकेशन भी होती है जैसे ये यूपीएस के काम आ सकता है वेरिएबल स्पीड ड्राइव के काम आ सकता है ये एंड इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम में भी इसका उपयोग किया जाता है तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन है राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 103 है ओवरलोड रिले प्रोटेक्ट्स अ मोटर फ्रॉम ओवरलोड रिले मोटर को किससे प्रोटेक्ट करती है ओवरलोड रिले मोटर को हाई करंट से प्रोटेक्ट करती है या हाई करंट को हम ओवर करंट भी बोल सकते हैं जब भी मोटर में एक लिमिट से ज्यादा करंट फ्लो करता है तो ओवरलोड रिले ट्रिप हो जाती है जिससे पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट हो जाती है एंड ये मोटर को ओवर हीटिंग एंड बर्निंग से बचा देती है सो so, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर वन है इन अ केबल इंसुलेशन टेस्ट बाय मेगर बिटवीन फेस टू फेस एंड फेस टू न्यूट्रल रेजिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन इसमें पूछा गया है अगर हम किसी भी केबल को टेस्ट कर रहे हैं मेगर के थ्रू या दो लाइन को टेस्ट कर रहे हैं तो उसका रजिस्टेंस मिनिमम कितना होना चाहिए देखिए आपको ये तो पता ही होगा कि मेगर किसके काम आता है मेगर रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आता है और ये हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आता है बेसिकली देखिए अगर हम फेस टू फेस भी चेक करें इसे या फेस टू न्यूट्रल तो हमें मिनिमम रेजिस्टेंस कितना चाहिए होगा हमें एटलीस्ट वन मेगा ओम का मिनिमम रजिस्टेंस यहाँ पे चाहिए होगा क्योंकि मेगर हमेशा हाई रेजिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है सो so इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर वन जीरो फाइव है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कोल्ड इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को इलेक्ट्रिक करंट कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स है द करंट क्वाल ऑफ अ सिंगल फेस एनर्जी मीटर इज वाउंड ऑन करंट क्वाइल को सिंगल फेस एनर्जी मीटर में कैसे लपेटा जाता है आपके ऑप्शन है ए बोथ लिम्स ऑफ लेमिनेटेड कोर विद सेम नंबर ऑफ टन बी बोथ लिम्स ऑफ कोर विद डिफरेंट टन सी द सेंटर ऑफ द लिम्स ऑन द लेमिनेशन कोर एंड डी वन लिम ऑफ द लिम्सनेटेड कोर देखिए ये एक सिंगल फेस एनर्जी मीटर का डायग्राम है अगर आप कोर से नोटिस करेंगे तो ये हमारी करंट कॉइल है जिसको दोनों तरफ लपेटा गया है और सेम नंबर ऑफ टर्न इसमें होती है एंड करंट क्वाइल दोस्तों रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करती है एंड करंट क्वाइल लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होती है इसलिए हम यह भी बोल सकते हैं कि करंट क्वाल लोड करंट को कैरी करती है ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन है ए वुडन स्केल टेप अगर हमें 90 डिग्री का एक्यूरेट मेजरमेंट करना है तो हम यूज करते हैं ट्राई स्क्वायर का जिसे हम कार्पेंटर स्क्वायर भी बोलते हैं ये एक एल शेप टूल होता है दोस्तों जिसमें एक पार्ट प्रपेंडिकुलर होता है दूसरे से और इससे हम एक्यूरेटली 90 डिग्री का मेजरमेंट ले सकते हैं सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 108 है द वोल्टेज सप्लाई बाय वन सेल ऑफ अ लेड एसिड बैटरी इज देखिए लेड एसिड बैटरी कई छोटे-छोटे सेलों से मिलकर बनी होती है और हर एक सेल का एक नॉमिनल वोल्टेज होता है जो अराउंड 2.2 वोल्ट होता है या अगर इसकी एक रेंज देखें तो 2.1 वोल्ट से लेके 2. थ्री वोल्ट इसकी रेंज होती है सो so, इसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर वन जीरो इन एन इलेक्ट्रिकल मिक्सर इससे पहले भी सीरीज में ये क्वेश्चन आया था कि स्टेपर मोटर किस पर्पस के लिए यूज होती है तो so, दोस्तों एक एडवाइस है जितने भी आपकी सिंगल फेस मोटर है उनकी वर्किंग स्पेशली उनकी एप्लीकेशन को आप बिल्कुल मिस मत करना यूनिवर्सल मोटर इलेक्ट्रिकल मिक्सर में यूज होती है क्योंकि इसका स्टार्टिंग टॉक हाई होता है हम मिक्सर में हमेशा लोड अप्लाई करते हैं लोड इन द सेंस कि हम उसमें कोई फ्रूट डालते हैं कोई वेजिटेबल्स डालते हैं तो एक तरीके का वो लोड है अगर हाई स्टार्टिंग टॉक नहीं हुआ तो मोटर ठीक से रोटेट नहीं कर पाएगी शेडेड पोल मोटर का दोस्तों हम ट्वाइस बनाने में यूज करते हैं और ये लो स्पीड ऑपरेशन में बेसिकली यूज होता है परमानेंट कैपेसिटर मोटर का यूज हम फैंस और पंप्स में करते हैं क्योंकि हमें वहाँ पे हाई स्टेबिलिटी की जरूरत होती है और हाई एफिशिएंसी की भी वहाँ पे जरूरत होती है स्प्लिट फेस मोटर का दोस्तों हम यूज करते हैं एसी और रेफ्रिजरेटर में इसका टॉर्क तो हाई होता है दोस्तों लेकिन इसकी स्पीड एस कम्पेयर टू यूनिवर्सल मोटर ज्यादा नहीं होती है सो इसलिए हम इसको एसी और रेफ्रिजरेटर में ही यूज करते हैं इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर वन वन जीरो एनी इलेक्ट्रिकल मशीन किसी भी इलेक्ट्रिकल मशीन में दो सबसे मुख्य पार्ट क्या है किसी भी मोटर के दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं स्टेटर और रोटर स्टेटर हमारा स्टेशनरी पार्ट होता है और यह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के काम आता है और रोटर हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है जिसके साथ मोटर की शाफ्ट अटैच होती है सो so, उसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर वन 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 है दूनट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स इज ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है ल्यूमन Lumen क्या बताता है कि एक सोर्स मान लीजिए और हमेंटिव वैल्यू ऑफ आर रजिस्टेंस इज कॉल्ड देखिए इसमें पूछा गया है प्रिंटेड वैल्यू और अफेक्टिव वैल्यू के डिफरेंस को क्या बोला जाता है उसे बोला जाता है टॉलरेंस यहाँ पे ऑप्शन गलत प्रिंट हो गया था ये टॉलरेंस था और इसको परसेंटेज में बेसिकली दिखाया जाता है जैसे कि मान लीजिए आपने एक रेजिस्टेंस खरीदा 100 ओम्स का तो उसमें एक टोलरस वैल्यू दी होती है प्लस माइनस 5 परसेंट यानी कि उसका रेजिस्टेंस कहीं 95 से लेके 105 के बीच में लाए करेगा आपने यही सेम चीज देखी होगी कई सारी अप्लायसेस में उसमें जो वोल्टेज होता है दोस्तों अगर आप ध्यान से देखेंगे उसमें लिखा होता है 200 हंड्रेड टू टू फोर्टी वोल्ट यानी कि वो 200 से लेकर 240 सौ वोल्टेज तक इजीली वर्क कर सकता है तो ये उसकी उस अप्लायसेज की टॉलरेंस वैल्यू बताता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर वन वन फोर है विच ऑफ नॉट अ पार्ट ऑफ स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है देखिये शाफ्ट भी स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर का पार्ट है स्टेटर और रोटर दोनों उसमें लगे होते हैं लेकिन कार्बन ब्रशेस इंडक्शन मोटर में नहीं लगे होते ये आपके डीसी मोटर में लगे होते हैं so उसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर वन वन फाइव है सेंट्रीफ्यूगल स्विच इज डिस्कनेक्ट ऑन डैश ऑफ मैक्सिमम स्पीड सेंट्रीफ्यूगल स्विच कब डिस्कनेक्ट होता है इसके ऊपर ऑलरेडी हम दो तीन क्वेश्चन इसी सीरीज में कर चुके हैं देखिए सेंटर स्विच एक तरीके का सेफ्टी डिवाइस है ये स्टार्टिंग वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देता है जब मोटर 70 से 80% परसेंट ऑफ द स्पीड तक पहुंच जाती है ऐसा क्यों करते हैं दोस्तों क्योंकि अगर हम कंटिन्यूस स्टार्टिंग वाइंडिंग को पावर सप्लाई के साथ कनेक्ट करके रखें तो स्टार्टिंग वाइंडिंग ओवर हीट हो सकती है या फिर वो जल भी सकती है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ये क्वेश्चन भी रिपीट है बस थोड़ी वैल्यू चेंज है दोस्तों इस क्वेश्चन में इफ द पीक वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज इज फाइव हंड्रेड वोल्ट वट वुल दर एम एस वैल्यू अगर एसी वोल्टेज की पीक वैल्यू पांच सो वोल्ट है तो आर एम एस वैल्यू कितनी होगी तो आर एम एस वैल्यू क्या होती है वी आर एम एस इक्वल टू वी पीक बाय रूट टू यहाँ पे पीक वैल्यू कितनी है पांच सो और रूट टू और रूट टू की वैल्यू क्या है दोस्तों वन पॉइंट फोर वन फोर अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो उसका आंसर आएगा थ्री फिफ्टी थ्री के आसपास राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर वन वन सेवन है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर इज आल्सो नोन एज ए मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर बी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर सी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर डी ऑयल सर्किट ब्रेकर अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर को हम रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं ये इसका डायग्राम है और ये क्या काम करता है दोस्तों अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर या रेसिडुअल सर्किट ब्रेकर और इसका एक नाम है ग्राउंड फोल्ट सर्किट इंटरप्टर यह स्मॉल इम्बेलेंस करंट को डिटेक्ट करता है फेस एंड न्यूट्रल कंडक्टर के बीच So, उसका राइट right आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर वन वन एट है इक्वेशन ऑफ अ डीसी जनरेटर इज डीसी जनरेटर की ई एम एफ इक्वेशन क्या होती है डीसी जनरेटर की ई एम एफ इक्वेशन होती है ई इक्वल टू जेड पी फाइव एन अपॉन सिक्सटी ए यहाँ पे जेट क्या है नंबर ऑफ कंडक्टर पी पोल फाइव फ्लक्स एन स्पीड पैरल पाथ सो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दोस्तों इसमें सारे गिवन ऑप्शन ही है तो यही फॉर्मूला इसका करेक्ट है e 60 A. इसमें से सारे ऑप्शन ही आपके गलत है क्वेश्चन है ohm slow? Ohm slow का नियम क्या बताता है दोस्तों किसी कंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो करंट के और उसके रेजिस्टेंस के डायरेक्टली डी so, इसका राइट right ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 120 है इन वेव वाइंडिंग हाउ मेनी पाथ आर पैरेलल टू ए देखिए दो तरह की वाइंडिंग होती है वेव वाइंडिंग एंड लैप वाइंडिंग वेव वाइंडिंग में हमेशा पैरेलल पाथ टू के इक्वल होते हैं और लैप वाइंडिंग में हमेशा पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल्स के इक्वल होते हैं सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सो दोस्तों ये था पूरा टेक्निकल पार्ट 120 क्वेश्चंस का अगर आप नॉन टेक पार्ट का भी वीडियो चाहते हैं तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बता दें दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग